कबीरधाम के सहसपुर लोहारा नगर पंचायत में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का कब्जा इस नगर पंचायत से खत्म हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने अपनी कुर्सी गंवा दी है। मतदान में कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 5-5 वोट मिले, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 10 वोट पड़े। इस नगर पंचायत में 15 पार्षद हैं और 6 महीने पहले कांग्रेस के 3 और भाजपा के 7 पार्षदों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया था, लेकिन जब मतदान का समय तय नहीं किया गया तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद वोटिंग कराई गई। मेहनत करने के बाद हाईकोर्ट से हमको आदेश मिला मतदान का, और अविश्वास प्रस्ताव लगाने का मकसद ये था कि 3 साल हो गए थे कि कोई काम यहाँ हो नहीं रहा था विकास का। लगातार जनता हमसे सवाल पूछ रही थी, वार्डों में कोई काम हो नहीं रहा है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने सत्ता के कुर्सी के उसमें मस्त थे। और नगर पालिका अधिनियम 43 का के जो प्रावधान है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित होता है तो वह अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पारित माना जाएगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के लिए 15 में से 10 जो है विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट पड़े, जिसके आधार पर दोनों में जो है पारित हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ।